No. अमेरिका इसराइल को कई बार चेतावनी दे चुका है कि वो गाजा में अतिक्रमण बंद कर दे, लेकिन इसराइल ने अमेरिका की भी एक नहीं सुनी। वो लगातार गाजा पर हमला जारी रखे हुए है। इधर इसराइल गाजा पर हमला कर रहा है तो उसे हिजबुल्ला और हूती के हमलों का भी मुकाबला करना पड़ रहा है। अब अमेरिका ने एक बार फिर इसराइल को चेतावनी दी है, यदि वो हिजबुल्ला के साथ तनाव जारी रखता है तो ये पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन लेबनान में प्रतिरोध गुट हिजबुल्ला और इसराइल के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने इसराइली सरकार को आगाह किया है कि वो इस तरह की घटना से ईरान सहित अन्य देश और समूह भी युद्ध में शामिल होंगे। अमेरिका की चिंता इस बात को लेकर है कि इजरायली अधिकारी या तो इस विरोध को युद्ध में बदल देंगे या इसमें घसीटे जाएंगे। अमेरिका लगातार गाजा पट्टी में युद्ध विराम पर जोर दे रहा है और उसका कहना है कि सीज फायर यानी युद्ध विराम ही लेबनान फिलिस्तीनी सीमा पर तनाव को कम कर सकता है। यही बात हिजबुल्ला के टॉप अधिकारी भी कई महीनों से कह रहे हैं। माना जा रहा है कि हिजबुल्ला के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध होता है तो ये इसराइल के लिए हानिकारक हो सकता है। हाल ही में हिजबुल्ला नेता तालिब सामी अब्दुल्ला की मंगलवार को हुई हत्या ने दुश्मनी की आग को और भड़का दिया है। हिजबुल्ला नेता की मौत के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने बुधवार को एक प्रमुख इसराइली बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला किया और साथ ही 19 ऑपरेशन शुरू किए हैं। उनका साफ कहना है कि लड़ाके इसराइल की आक्रामकता का सामना करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हिजबुल्ला ने यह भी साफ कर दिया कि वो युद्ध समाप्त होने तक फिलिस्तीनी लोगों को अपना समर्थन देना बंद नहीं करेगा। इससे साफ है कि इसराइल अगर गाजा में बर्बरता करता है तो उसे हिजबुल्ला सहित अन्य प्रतिरोधी समूहों का मुकाबला करना होगा। गाजा का समर्थन करने वाले एक प्रतिरोधी समूह हूती ने तो लाल सागर में जहाजों की आवाजाही बंद करा दी है। वो इसराइल से आने और जाने वाले किसी भी जहाज को निशाना बना रहा है। जहाजों को निशाना बनाए जाने से अमेरिका को भी भारी मुश्किल हो रही है। यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि अब इसराइल गाजा में आक्रामकता बंद कर दे, लेकिन इसराइल अमेरिका की मानने को तैयार नहीं है। इसके तह में जाए तो पता चलता है कि शुरुआत में अमेरिका ने ही इसराइल को सैन्य हथियार से लेकर हर तरह की मदद की, लेकिन अमेरिका की मदद उसी के लिए भारी पड़ने लगी और लाल सागर से जहाजों का आवागमन बाधित होने लगा। अब अमेरिका चाहता है कि इसराइल और गाजा युद्ध पर विराम लग जाए, क्योंकि इधर अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन अब इसराइल मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में युद्ध के समीकरण काफी उलझते जा रहे हैं।